मुझे पता है कि आप लोग इंडिया से हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंडिया के ही लोग तो मेरे बात को समझ पाते हैं। और बात यह है कि अभी जो हमारा फ्लिपकार्ट और फिर अमेजोन में चल रहा है, जी हाँ मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ जिसमें अभी आप लोग टूट पड़े हो। और टूट पड़ने का मतलब समझ रहे होंगे भाई क्या बात है, तो भाई वही बिग बिलियंस डे का बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें अभी बहुत सारे लोग मतलब ये खरीद रहे वो खरीद रहे, शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए चीज़ प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। लेकिन भाई बहुत सारे लोग मंगा भी रहे हैं और ठगा भी रहे हैं। मतलब ठगाने मतलब समझते हैं क्या होता है भाई, अपने पैसे को फालतू में जाया कर रहे हैं। यानी कि वो सोच रहे कि मुझे इतना का डिस्काउंट मिल रहा है, बट भाई डिस्काउंट नहीं, उतना का डिस्काउंट बोल करके उससे कम दाम में बेच रहा है। लेकिन भाई आज मैं आप लोगों को एक दो बात बताऊंगा, एक दो ट्रिक दूंगा, जिसकी मदद से आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का रियल प्राइस पता कर सकते हो। और रियल प्राइस का मतलब समझते हो ना, रियल मतलब उसका रियल प्राइस क्या, एक्यूरेट प्राइस क्या है, क्या वो दाम कम में दे रहा है या फिर कम दाम में ज़्यादा दे रहा है। तो भाई इसके मदद से आज के इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी इंडिया से हो और आप भी अपने भारत माता से प्यार करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर देना। चलो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला बात है लेकिन आपके काम का बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो के मदद से आप लोगों को यह बात समझाना है कि आप जो प्राइस अभी जो देख रहे हो, बहुत सारे मतलब डिस्काउंट में देख रहे होंगे, शॉपिंग में देख रहे होंगे, फ्लिपकार्ट में देख सकते होंगे, ये सभी चीज़ों में आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट दे रहा है, कंपनी दे रहा है। लेकिन भाई आपको क्या पता है कि वो सही मुझे डिस्काउंट दे रहा है क्या, उसका प्राइस पहले इतना था और अब आकर के इतना हो चुका, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? अगर कोई प्रूफ नहीं है भाई, तो इसकी जानकारी अगर आप चाहते हो तो इसकी जानकारी के लिए एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप इसका रियल प्राइस पता कर सकते हो, रियल प्राइस के साथ साथ में इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। और मैं इसी के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ भाई। यहाँ पर अमेजोन का भी ऑप्शन मिलता है, आप अमेजोन का भी जिस प्रकार से बताऊंगा, अमेजोन का भी प्राइस चेक कर सकते होंगे, फ्लिपकार्ट का भी चेक कर सकते होंगे, शॉपी का भी चेक कर सकते हो। और भाई जो बात बताऊंगा 100% रियल बताऊंगा, ठीक है? तो चलो फटाफट से आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है, यहां पर सर्च करना पड़ेगा प्राइस हिस्ट्री ट्रेकर। अब प्राइस हिस्ट्री ट्रेकर सर्च करके इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद भाई इसे ओपन करना है, साइन अप करने के लिए बोला जाएगा, तो अपने ईमेल आईडी के थ्रू या फिर गूगल अकाउंट के थ्रू साइन अप कर लीजिएगा। अब यहां पर आने के बाद भाई इसका में किसी भी चीज का आपको असली प्राइस मिलेगा। मान के चलो भाई कोई भी चीज है, आपको असली प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर जैसे मान के चलो ये वाला प्रोडक्ट है, इसका देखो प्राइस हमेशा यहां पर प्राइस दिखाएगा कि आपका प्राइस क्या है और पहले कितना प्राइस था, अभी कितना प्राइस है। और भाई देखो अभी इस प्रोडक्ट का मान के चलो ये जो बैग है, ये बैग देखो पहले कितना मिलता था, 150 रुपये मिलता था, विश्वास नहीं ना भाई। देखो यहाँ पर पहले 152 रुपये मिलता था, अभी देखो भाई 292 रुपये में मिल रहा है। तो भाई अभी देखो डिस्काउंट के नाम पर से इसका मैं 92 मतलब इतना प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है? तो प्राइस बढ़ाने के साथ साथ में भाई ये जो एप्लीकेशन आपको बताएगा कि प्राइस क्या, अगर बात करें भाई कि मुझे कोई एप्लीकेशन इस फ्लिपकार्ट से मुझे मतलब ईयरफोन मंगाना था, ठीक है? चलो ईयरफोन ही मंगा करके देखते हैं, मतलब हेडफोन बोलते हैं ना भाई इसको, हेडफोन बोलते हैं ना, चलो हेडफोन मंगा करके देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई एक से बढ़कर एक ईयरफोन आपको मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। अभी मान के चलो डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट के हिसाब से तो बताएंगे भाई। लेकिन हाँ एक बात इसमें बता रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ को ये नहीं बोलूँगा आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले एक बार वीडियो को देख लो और समझो कि क्या आपको जो प्राइस मिल रहा है वो प्राइस सही है या फिर प्राइस गलत है, आपको असली सच प्राइस में मिल रहा है या फिर मतलब जैसे होता है ना कि ठगाने वाला काम कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट लिख करके ज़्यादा प्राइस बोल करके डिस्काउंट कर दिया और उसी को बोल रहा है कि हम डिस्काउंट किए हुए। तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सर्च ऑप्शन मिलेगा। सर्च का ऑप्शन पाने से पहले भाई यहां पर देखो मैं फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में इस प्रोडक्ट का यहां पर से शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके इसका लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। यहां से लिंक को कॉपी कर लेना, लिंक कॉपी कर लेने के बाद में इस पर आना है, और इस पे आने के बाद में भाई आप लोगों को यहाँ पर से सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना, पेस्ट कर देने के बाद में इसे सर्च कर देना है। अब सर्च कर देने के बाद में भाई दोनों का जगह का प्राइस को मैच करना। देखो अभी इसका प्राइस सच में डाउन है, अब भाई यहाँ पर डाउन मिला मुझे, यानी कि अभी हम इसे ले सकते हैं, सच में इसका प्राइस डाउन है। पहले का प्राइस इसका इतना था लेकिन अभी इसका प्राइस डाउन होकर के इतना आ चुका है, यहाँ पर आप चेक कर सकते होंगे। तो भाई इस तरह से अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप जाँच कर सकते हो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं तो सावधानीपूर्वक ले और अच्छे तरीके से उसके बारे में पहले समझ ले, उसके बाद ले। भाई ये किसी भी कंपनी के साथ में काम कर सकता है ये एप्लीकेशन, मान के चलो शॉपी है तो शॉपी में भी यहां पर काम कर सकते हो, इसमें भाई बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है भाई ये फ्लिपकार्ट का ही है, ठीक है? ये फ्लिपकार्ट का ही है। और यहाँ पर देखो इतने भी मतलब लड़की लोग अगर वीडियोस को देख रहे हो तो भाई लड़की लोग भी बोल रहे हैं, लड़की लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार होते कभी कभी और कभी कभी बहुत ज़्यादा बुड़बकी भी कर देती है। लेकिन हाँ भाई ये बात सच है, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, बुरा मान ही लो। यहाँ पर देखो कि ये जो हमें ये गौन की क्या चीज़ बोलते हैं भाई, कुर्ती है, हाँ कुर्ती है, इसे शेयर करते हैं और इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं। भाई इसका लिंक कॉपी करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, डाउनलोड लिंक बोल रहा है कहीं पर से, तो इसका लिंक कॉपी करना आपको कहीं से भी कहीं ना कहीं से आपको इसका लिंक को कॉपी कर लेना। अगर मान के चलो इस पर लिंक कॉपी करना नहीं आ रहा है तो आपको इसे कहीं पर भी शेयर कर देना। मान के चलो मैं इसे टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, और भाई टेलीग्राम पर शेयर कर देने के बाद में सेंड टेलीग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करके और आप लोग इसे टेलीग्राम पर शेयर करके इसका लिंक को निकालना। मान के चलो मैं किसी भी अपने फ्रेंड को ही शेयर कर देता हूँ और इसे शेयर कर देने का
भाई यहाँ पर सिर्फ पिक्चर सेंड शेयर हो रहा है, तो पिक्चर शेयर नहीं करना, आप लोगों को इसका लिंक को कॉपी करना है, किसी भी तरीके से करके इसका लिंक को कॉपी कर लेना, और लिंक कॉपी कर लेने के बाद में उसे जस्ट उसी प्रकार से वहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट कर देने के बाद भाई आप लोगों को जैसे बताया जिस तरह से प्राइस आपको ट्रैक करना है उस तरह से आप लोग प्राइस को ट्रैक कर सकते हो, और इस तरह से कर करके भाई नए नए ऑफर नए नए लूट्स को मचा सकते हो, तबाही मचा करके इसमें से काम को भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, इंडिया का लोग हैं तो भाई इंडिया के लोग बहुत होशियार होते हैं, मुझे पता है, आप लोग ठगाना मत, इन ऑफर्स के थ्रू आप लोग जितना भी पैसे बर्बाद करोगे उतना अच्छा, ठीक बात है, पैसे बर्बाद करना कोई बड़ा बुरा बात नहीं है, लेकिन भाई पैसे सही जगह पर बर्बाद करना चाहिए, यानी कि आप जहाँ पर तहाँ नहीं जैसे पर तैसे आपको बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो भाई आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे हमारे ये वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्राइस हिस्ट्री ट्रेकर एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पहले से पता था या फिर नहीं था? अगर पता था तो भाई बताओ कि हाँ पता था, और नहीं पता था भाई तो वीडियो को लाइक करके बताओ कि हाँ आपको नहीं पता था, ठीक है। अगर पता नहीं तो भाई आप लोग देख लो किस तरह से किसी भी प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं, और किसी भी प्राइस को हम लोग जान सकते हैं कि उसका प्राइस असली प्राइस है या फिर नकली प्राइस है, या फिर मुझे डाउन में कम में दे रहा है या फिर ज़्यादा में करके दे रहा है, तो इन सभी बातों को एक्सप्लेन करके अगर जानना है तो मैं वीडियो में पूरे तरीके से बताया हूँ कैसे कैसे ये एप्लीकेशन काम करता है। इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी प्रोडक्ट का आप रियल प्राइस पता कर सकते हो, और वो डिस्काउंट में मिल रहा है या फिर डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है, इन बातों को जान करके आप लोग कोई भी सामान को खरीद सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी बात को यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर देना।